हे फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऊ जेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एग की फॉर्मेशन होती है और एग जो है हेप्लॉयड नेचर का होता है एग की फॉर्मेशन उगोनिया से होती है जिसको एग मदर सेल या डिप्लॉयड मदर सेल कहा जाता है और ये ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इस पूरे प्रोसेस को ऊ कहा जाता है यहाँ पे वी कैन सी दिस दिस रिप्रेजेंट्स द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स दी ओवेरी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पेयर ऑफ ओवेरी ओवेरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ओवर हियर इन ही दिरी विच इज डिप्लॉयड इन नेचर देर इज फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड मदर सेल ओ और उस ऊ से जो है हैप्लॉयड फीमेल गैमेट ओवा की फॉर्मेशन या एग की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे जो है ऊ जेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है सो द प्रोसेस ऑफ ऊ जेनेसिस टेक्स प्लेस इन दी ओवेरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड मदर सेल ऊ गोनिया टेक्स प्लेस फ्रॉम वेयर हैप्लॉयड फीमेल गेमेट्स कॉल्ड ओवा और एग फॉर्म्स तो यहाँ पर जो है ओ जेनेसिस होती है अब ऊ जेनेसिस जो प्रोसेस है ये दो चीज़ों को इंक्लूड करती है इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस विच इज जेनेटिक प्रोग्रामिंग एंड पैकेजिंग सो ओ जेनेसिस में जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है और पैकेजिंग होती है और ओ जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा फ्रॉम उगोनिया यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऊगोनिया या जो एग मदर सेल है जैसे ही एक बेबी फीमेल का बर्थ होता है या एक बेबी गर्ल का बर्थ होता है तो उस टाइम पे जितने उगोनिया बन जाते हैं उतने ही रहते हैं उसके बाद वो और ज़्यादा नहीं बढ़ते और बर्थ के बाद ऐड नहीं होते विच मीन्स नो मोर ऊगोनिया आर फॉम्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ कि बर्थ के बाद और ऊगोनिया या और जो है एग मदर सेल डिप्लॉयड एग मदर सेल्स नहीं बनते ये फीटस के अंदर जितने बन जाते हैं जितनी अमाउंट इनकी हो जाती है फॉर फॉर एग्जांपल अराउंड 400 या 600 या 500 ये जितने भी अमाउंट इसका फिक्स हो जाता है उतना ही रहता है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता जैसे ही बर्थ हो जाता है एक फीमेल uh, बेबी का तो नो मोरू आर एडेड एंड फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ और ये जो ऊ या एग मदर सेल्स होते हैं ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं टू फॉर्म प्राइमरी उइट विच गेट्स सराउंडेड बाय ग्रेन्यूलोसा सेल्स कॉल प्राइमरी फॉलिकल्स ये हम देखेंगे इन द प्रोसेस ऑफ ऊ जेनेसिस किस तरह से प्राइमरी ऊसाइट बनता है प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं और ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये डी uh, जेनरेट होते हैं फ्रॉम फ्रॉम दी फेज़ ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी तो बर्थ से प्यूबर्टी के फेज़ के बीच में यानी कि टेन टू थर्टीन ईयर्स के बीच में ही जो प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं ये डी जेनरेट होते रहते हैं और हर एक ओवेरी के अंदर सिक्सटी टू एटी थाउजेंड प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं ये जो ओ जेनिसज है ऊ जेनेसिस इज ए डिसकॉन्टीन्यूस एंड इज ए हाईली वेस्टफुल प्रोसेस दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू नोट कि जो ऊ जेनेसिज है वो एक डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जबकि इस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है सो ऊ जेनेसिस इज ए डिसकॉन्टीन्यूस एंड ए हाईली वेस्टफुल प्रोसेस यहाँ पे ऊ जेनेसिस का अगर मैकेनिज्म देखना हो तो तीन फेजेस जो है मेनली इन्वॉल्व होते हैं सबसे पहले है मल्टीप्लीकेशन फेज दूसरा है ग्रोथ फेज तीसरा है मैच्योरेशन फेज सो मैकेनिज्म इन्वॉल्व थ्री फेजेस विच इज मल्टीप्लीकेशन फेज ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन फ़ेज़ की तो इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डायग्राम ऑफ ओवेरी तो यहाँ पे हमने देखा दिस इज़ दी ओवेरी और अगर ओवेरी का एनलार्ज सेक्शन हमें देखना हो सो हियर वी कैन सी दिस रिप्रेजेंट्स द एन सेक्शन ऑफ ओवेरी तो यहाँ पे हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि ये एक पूरी ओवेरी है सिंगल ओवेरी हमने यहाँ पे बताई है ओवेरी के अंदर सबसे पहले अगर हमें एग बनाना है यानी कि ओवेरी के अंदर ओ होती है ओ में एग की फॉर्मेशन होती है या जिसको हम ओवा कहते हैं उसकी फॉर्मेशन होती है और ये फॉर्मेशन की एक पूरी स्टेप होता है वो किस तरह से है सबसे पहले आता है मल्टीप्लीकेशन फेज तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दिस लेयर दिस इज़ कॉल्ड दी जर्मिनल एपिथीलियम। तो मल्टीप्लीकेशन फेज में सबसे पहले आ, क्या होता है कि प्राइमरी जर्म सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथीलियम। ये जर्मिनल एपिथीलियम लेयर के अंदर ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं दे अंडरगो रैपिड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड मदर सेल्स कॉल्ड ऊगोनिया तो ये जो जर्मिनल एपीथीलियम के अंदर जो सेल्स होते हैं द सेल्स और दी जर्म सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथिलियम अंडर गो रेपिड माइटोटिक डिविजन टू फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड ऊगोनिया उगोनिया विच इज एग मदर सेल्स अभी जो ऊगोनिया हैं इतने सारे माइटोटिक डिविजन से बन जाते हैं जिनको हम एक इनिशियली एक कॉर्ड के रूप में एक देख सकते हैं विच इज कॉल्ड एज एग ट्यूब ऑफ पी फ्लगर यहाँ पे जर्मिनल एपिथीलियम के सेल्स डिवाइड हो हो के इतने सारे उगोनिया बना देते हैं डिप्लॉयड मदर सेल्स उगोनिया जो कि ग्रुप में एक कॉर्ड बना देते हैं और इस कॉर्ड को कहा जाता है एग ट्यूब ऑफ पी फ्लगर विच लेटर ऑन फॉर्म्स ए राउंड मास ऑफ उगोनिया कॉल्ड एग नेस्ट उगोनिया ही एग मदर सेल है और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है डिप्लॉयड नेचर का है यहाँ हम फिर से देखते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर प्राइमरी जर्म सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ ओवेरी अंडरगोज रैपिड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड मदर सेल्स कॉल्ड यूगोनिया और यही उगोनिया के क्या बनाते हैं ईच उगोनिया ईच ग्रुप इज इनिशियली ए कॉर्ड एंड इज कॉल्ड एग ट्यूब ऑफ पी फ्लग तो इनको कहा जाता है एग ट्यूब ऑफ पी फ्लगर जो कि अभी हमने डायग्राम में देखा और यही एग ट्यूब ऑफ पी फ्लगर थोड़े टाइम बाद बना देता है एक राउंड मास ऑफ उगोनिया जिसको एग नेस्ट कहा जाता है तो एग नेस्ट तक की फॉर्मेशन तक जो है मल्टीप्लीकेशन फेज होता है तो हेयर वी हैव सीन इन द डायग्राम की एग नेस्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे बन चुका है एंड दिस एग नेस्ट तक के फेज uh, को जो है उगोनिया मल्टीप्लीकेशन फेज कहा जाता है तो एग नेस्ट तक यहाँ से लेके यहां यहाँ तक हो गया मल्टीप्लीकेशन फेज जहाँ पे जर्मिनल एपिथीलियम के जो सेल्स हैं डिवाइड करके ऊबिया बनाते हैं डिवीजन जो है माइटोटिक रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है उससे एक्टिव बनता है और एक्टिव के बाद आ, एग नेस्ट बन जाता है और यहाँ पे ख़त्म होती है मल्टीप्लीकेशन फेज़ नाउ द नेक्स्ट फेज़ इज ग्रोथ फेज तो ऊ जेनेसिस की दूसरी फेज का नाम है ग्रोथ फ़ेज़ अच्छा अब ग्रोथ फ़ेज़ जो है ये ऊ जेनेसिस की और स्पर्मेटोजेनेसिस की अलग अलग होती हैं ग्रोथ फ़ेज़ ऑफ ऊ जेनेसिसिस इज ऑफ मच लॉन्गर ड्यूरेशन तो जो ग्रोथ फ़ेज़ ऊ जेनेसिसिस में है एक बहुत लंबे समय का होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ फ़ेज इन स्पोमेटोजेनिस तो मेल में जो स्पोमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है उसकी ग्रोथ फ़ेज़ जो है शॉर्ट होती है जबकि जो ऊ जेनेसिस के अंदर जो ग्रोथ फ़ेज़ है वो बहुत लंबे ड्यूरेशन की होती है यहाँ पर एग्जाम्पल दे ले, देख लेते हैं ह्यूमन फीमेल्स का ह्यूमन फ़ीमेल्स के अंदर ये जो ग्रोथ फ़ेज है बारह से तेरह साल की होती है जबकि फ्रॉक्स के अंदर ये तीन साल की होती है इसलिए कहा जाता है दैट ऊ जेनेसिज इज़ ए डिसकॉन्टीन्यूस एंड हाईली वेस्टफुल प्रोसेस तो यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूटी हम देख सकते हैं कि 12 से 13 साल सिर्फ ग्रोथ फेज़ में चले जाते हैं तो ये एक तरह की डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस है राइट हेयर इट्स अ डायग्राम ऑफ द मेच्योर मेमेलियन ओवेरी जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एग ट्यूब से एगनेस्ट बना है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फेज खत्म होता है और यहाँ से जो है ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है अब ग्रोथ फेज के अंदर हम क्या देखते हैं कि एग नेस्ट ये जो हमने एगनेस्ट देखा था इस चीज़ को हम डायग्राम से समझते हैं कि ग्रोथ फेज़ के अंदर ये जो एगनेस्ट है एगनेस्ट में से कोई एक उगोनियम वन सिंगल उगोनियम पूरे उगोनिया के क्लस्टर में से एक उगोनियम ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू प्राइमरी ऊसाइट एक उगोनियम एग नेस्ट में से ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है चेंज हो जाता है इनटू प्राइमरी ऊसाइट और बाकी के बचे जो सेल्स होते हैं बाकी के जो ऊसाइट्स होते हैं एग नेस्ट के वो इस प्राइमरी ऊ को सराउंड कर लेते हैं यानी कि आसपास उसके एक लेयर बना लेते हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल राइट सो द इन ग्रोथ फेज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ऊ एंड प्राइमरी फॉलिकल और ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये भी आफ्टर बर्थ जो है सिक्सटी टू एटी थाउजेंड प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवेरी एंड इनकी जो फॉर्मेशन है ऊगोनिया की जो फॉर्मेशन होती है ये फिक्स्ड होती है ये बर्थ के बाद इंक्रीज नहीं हो सकती तो जितने ऊगोनिया बनेंगे उतने फिक्स्ड अमाउंट के ऊगोनिया या प्राइमरी ऊसाइड की फॉर्मेशन फिक्स्ड होती है कि 400 प्राइमरी ऊसाइड्स बनेंगे या लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ फाइव ही प्राइमरी ऊसाइड्स बनेंगे तो इस तरह से अमाउंट जो है फिक्स हो जाती है आफ्टर बर्थ तो बर्थ से पहले पहले फीटस के अंदर जितनी उगोनिया बनेंगे उतने ही रहेंगे उसके बाद नहीं बनेंगे तो ग्रोथ फेज के अंदर हमने देखा कि इसमें से एग्नेस में से एक सेल जो है ऊगोनियम गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन टू ए स्ट्रक्चर कॉल प्राइमरी ऊसाइट विच गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ न्यूट्रिटिव लेयर विच इज द प्राइमरी फॉलिकल तो ये प्राइमरी फॉलिकल भी एग्नेस से बनते हैं प्राइमरी ऊसाइट विच इज़ डिप्लॉयड इन नेचर दिस इज टू डिप्लॉयड इन नेचर ये भी डिप्लॉयड है ये भी डिप्लॉयड है तो ये सारा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है ग्रोथ फेज के अंदर तो यहाँ पे जो है ये ग्रोथ फ़ेज़ की बात आती है अब सेकेंड थिंग मैंने बताया कि इट्स अ लॉन्ग मच लॉन्गर प्रोसेस जो ग्रोथ फेज है बहुत लंबा होता है इन केस ऑफ ओ अभी अब ये क्यों लंबा होता है क्योंकि ग्रोथ फेज़ जो है फर्दर डिवाइड होता है दो हिस्सों के अंदर और ये दो हिस्से हैं प्री विटिलोजेनेसिस एंड विटिलोजेनेसिस तो ग्रोथ फेज को भी डिवाइड कर दिया गया है ऊ में प्री विटिलोजेनेसिस एंड विटिलोजेनेसिस के अंदर अब ये जो प्री विटिलोजेनेसिस है और विटिलोजेनेसिस है ये क्या होता है यहाँ पे प्री विटिलोजेनेसिस और विटिलोजेनेसिस दोनों जो है वो प्राइमरी ऊसाइट और प्राइमरी फॉलिकल्स के साथ रिलेटेड हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विटिलोजेनेसिस और प्री विटिलोजेनेसिस कहाँ पे होगी वो सारी की सारी यहाँ पे होगी तो प्राइमरी ओसाइट और प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर जो है विटिलोजेनेसिस एंड प्री विटिलोजेनेसिस जो कि ग्रोथ फेज का पार्ट है वो इसमें होगा तो प्राइमरी ओसाइट्स के अंदर चेंजेस आएंगे प्राइमरी ओसाइट्स बहुत देर तक बने रहते हैं ओवेरी के अंदर ये बारह से तेरह साल तक ह्यूमन फीनियर्ल्स में प्राइमरी ओसाइट का फेज बना रहता है तो इसीलिए ये एक डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस है सबसे पहले हम बात करते हैं प्री विटिलोजेनेसिस की तो ग्रोथ फेज़ जो है सबसे पहले प्री विटिलोजेनेसिस में डिवाइड होता है और फिर विटिलोजेनेसिस के अंदर अब प्री विटिलोजेनेसिस में क्या होता है कि जो हमने प्राइमरी यूसाइट देखा है ये जो प्राइमरी यूसाइट अभी बना है इसके अंदर जो है इसके न्यूक्लियर वॉल्यूम और इसके साइटो कॉन्टेंट -क्ला, में चेंजेस आते हैं चेंजेस कुछ इस तरह से हैं कि जो न्यूक्लियर वॉल्यूम है उसके अंदर ग्रोथ होती है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज कर जाता है इन प्री विटिलोजेनेसिस में तो हम ये कह सकते हैं कि इन प्री विटिलोजेनेसिस फेज देयर इज ट्रिमेंडस इंक्रीज इन दी न्यूक्लियर वॉल्यूम एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द प्राइमरी ओसाइट सो दिस इंक्लूड्स प्री अब अभी क्या क्या चेंजेस होते हैं किस तरह से न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज करता है किस तरह से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज़ करता है ये अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत है तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर वॉल्यूम कि न्यूक्लियर वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज़ किस तरह से आता है इन प्राइमरी ऊसाइट तो न्यूक्लियर वॉल्यूम की बात करें तो जो न्यूक्लियस है प्राइमरी उइड का ये बढ़ जाता है साइज़ के अंदर और ये साइज़ के अंदर इसलिए बढ़ पाता है क्योंकि देर इज़ इंक्रीज़ इन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए इनका अमाउंट बढ़ जाता है और न्यूक्लियर सैप की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियर सैप होता है न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं तो इनका अमाउंट इंक्रीज़ कर जाता है तो न्यूक्लियर वॉल्यूम जो है प्राइमरी ऊ साइड का न्यूक्लियस इंक्रीज़ कर जाता है साइज़ के अंदर बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर सैप अब दूसरा एग्ज़ाम्पल हम दूसरी चेंजेस ये बताएंगे कि जो यॉकी एग्ज़ होते हैं यॉकी एग्स का मतलब जैसे कि हमने मुर्गी का अंडा सबने देखा है उसके अंदर येलो कलर का पोर्शन होता है जिसको योक कहा जाता है तो ये योक यॉकी एग्ज़ होते हैं है, मेमल्स जो कि कॉर्डेट्स में जैसे कि रेप्टाइल्स बर्ड्स बोनीफिश एम्फीबियंस इनके जो एग्स होते हैं उनमें योक प्रेजेंट होता है सो इन लार्ज योकी एग्ज ऑफ रेप्टाइल्स बर्ड्स बोनी बोनीफिश एंड ईवन इन एम्फीबियंस जो उनके क्रोमोजोम है क्रोमोजोम है जो न्यूक्लियस के अंदर वो लेंथ में इंक्रीज कर जाता है लूप डेवलप करता है और ये लैम्प ब्रश क्रोमोज़ोम बना देता है तो मतलब ये है कि यॉकी एग्स के अंदर रेप्टाइल्स बर्ड्स बोनी बोनीफिशिज और एम्फीबियंस के अंदर जो उनके क्रोमोजोम होते हैं न्यूक्लियस में वो साइज़ में इंक्रीज कर जाते हैं लेंथ में इंक्रीज कर जाते हैं लूप बना देते हैं और दे फॉर्म लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स तो लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है जिसके कारण न्यूक्लियर वॉल्यूम ऑफ प्राइमरी यूसाइड गेट्स इंक्रीजेस तो ये सारे के सारे चेंजेस हमें याद रखने हैं कि न्यूक्लियस में आ रहे हैं और न्यूक्लियस जो है वो प्राइमरी ऊ साइड का न्यूक्लियस है न्यूक्लियस ये वाला न्यूक्लियस प्राइमरी साइड के न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं विच इज़ दी प्री विटोलोजेनेस फेज ऑफ ग्रोथ फेज तीसरा है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि कुछ एम आर एन एज होते हैं मैसेंजर आर एन ए होते हैं जो कि जिनका काम होता है प्रोटीन बनाना तो ये मैसेंजर आर एन क्या हो जाते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं और प्रोटीन्स के साथ ये प्रोटीन्स uh, इनको जो है सराउंड कर लेती है दे गेट एन शीथेड बाई प्रोटीन्स और इनको इनफॉर्मोजोम्स कहा जाता है तो ये मतलब कि एम का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया क्योंकि उसके आसपास प्रोटीन की लेयर जो है वो आ गई तो एम आर एन ए के आसपास प्रोटीन की लेयर आने से एम आर एन ए का साइज इंक्रीज हुआ एम आर एन ए का साइज इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियस का भी साइज इंक्रीज हुआ और ये जो एम आर एन ए जो इनएक्टिव होते हैं एंड दे गेट इनशीटेड बाय प्रोटीन्स दे आर कॉल्ड इनफॉर्मोसोम्स सो फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मोसोम्स लीड्स टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर वॉल्यूम तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम इस तरह से इंक्रीज कर जाता है अब दूसरे एक और चेंज इस तरह से आ सकता है कि जो न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस के हमें अंदर पता है कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियोलस जो है वो साइज़ में भी इंक्रीज करता है नंबर में भी इंक्रीज़ करता है कुछ एम्फीबियंस के केसेस में और ये होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ आर डी एन ए जीन्स तो कुछ आर डी एन ए जीन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस का साइज़ भी बढ़ाते हैं नंबर भी बढ़ाते हैं कुछ एम्फीबियंस में और इस चीज़ को हम जीन एम्प्लीफिकेशन और रिडेंडेंसी कह सकते हैं सो दिस इज़ नोन एज जीन एम्पलीफिकेशन और रिडेंडेंसी तो इस तरह से जो है देर इज़ इंक्रीज इन न्यूक्लियर वॉल्यूम टेक्स प्लेस तो अगर हम सम करें कि, कि किस तरह से प्राइमरी ऊ साइड के न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज आता है वी कैन से देर इज़ इंक्रीज इन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड There is formation of nuclear sap, there is formation of lamp brush chromosomes, there is formation of informosomes, there is uh, increase in nucleolus size and number due to gene amplification or redundancy, and this leads to increase in the nuclear volume of primary oocyte, which is deployed in nature. कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो पिछला जो हमने चेंज पढ़ा है ये न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस का साइज़ इंक्रीज़ हुआ है अब साइटोप्लाज्म का साइज किस तरह से इंक्रीज होता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ प्राइमरी ऊसाइट इंक्रीजेस बाई इंक्रीज इन द नंबर ऑफ राइबोसोम्स राइबोसोम्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है तो उस तरह से जो है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में भी चेंज आता है उसका कंटेंट भी इंक्रीज़ कर जाता है उसकी साइटोप्लाज्म का जो है सेल का साइज जो है इस तरह से इंक्रीज़ कर जाता है द नेक्स्ट चेंज जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज ए स्टोरेज साइट ऑफ आर एन ए तो आर को स्टोर करने का काम करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो वेसिकल्स एंड लेमिले हैं ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये एक्ट करते हैं एज अ स्टोरेज साइट ऑफ आर तो आर स्टोर करने से इनका साइज भी क्या होएगा इंक्रीज होगा अगली चीज़ है गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी जो है वेसिकल्स बनाती है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाती है एंड दे फॉर्म एक्टिवली दी गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एक्टिवली फॉर्म्स वेसिकल्स एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स तो वेसिकल्स और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा बनाती है जिसके कारण हम देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ प्राइमरी यूसाइट इंक्रीज तो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन द नंबर ऑफ राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है स्टोरेज साइट ऑफ आरएनए की तरह काम करती है एंड दीज आर द रीजन्स वाई देर इज रिमेंडस इन इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर वॉल्यूम एज़ वेल एज साइटोप्लाजमिक कॉन्टेंट ऑफ प्राइमरी ऊसाइट तो ये पूरा का पूरा जो है प्री विटिलोजेनेसिस फ़ेज को डिफाइन करता है ग्रोथ फेज के अंदर तो ग्रोथ फेज़ के अंदर जो है प्री विटिलोजेनेसिस फ़ेज़ में क्या होता है ये जो प्राइमरी ऊसाइट है इसका न्यूक्लियर इसका इसका न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है एंड सेकेंड थिंग इज कि साइटोप्लाजमिक कॉन्टेंट इनक्रीज करता है सो दिस इज अबाउट द प्री विटिलोजेनेसिस फेज ऑफ ग्रोथ फेज तो प्री विटलोजेनेसिस प्रोसेस इन ग्रोथ फेज हमने पढ़ ली है अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी विटिलोजेनेसिस विटिलोजेनेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे तो ग्रोथ फेज जो है उसका हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है एंड दिस इज़ दी पार्ट ऑफ ऊ तो ये सारा का सारा ऊ में ओवेरी के अंदर पार्ट होता है सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डेड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट